कुछ हो रहा है। मैं हूं बनारस के फेमस काशी चाट भंडार में और ये हैं यहाँ के कुछ नज़ारे। थोड़ी पेट पूजा के बाद अब चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ इन बाजारों में से होते हुए। ये है मंदिर की लाइन, आइए देखते हैं कितनी लंबी है ये। गुड मॉर्निंग, सुबह की आरती या सुबह ए बनारस के लिए मैं आ गया हूँ असी घाट पे। ये आरती सनराइज़ से पहले स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे आरती के साथ सुबह होती है और सनराइज़ होता है। सुबह की आरती खत्म होने के बाद अब टाइम है एक चाय का और उसके बाद देखेंगे बनारस के घाट एक बोट से। Thank you.
और यहाँ से दशाश्वमेध घाट से 2-3 किलोमीटर आगे भी है। तो जो पहले राजा थे उनका नाम था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी के बाद हुए चेस सिंह। चेस सिंह जी के बाद हुए विभूति नारायण, स्वर्गीय विभूति नारायण। अब उनके 2 पुत्र हैं, एक अनंत नारायण जी और एक प्रकाश नारायण जी। मत यज्ञ किए थे, तब से उस घाट का नाम रखा गया दशाश्वमेध घाट दिया। और जो नेपाल के राजा थे और जो काशी के राजा थे तो एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। तो नेपाल के राजा ने अपने लिए यहाँ पे एक पैलेस बनवाया, भैया वो वाला। मैं आ गया हूँ बनारस के सबसे पॉपुलर घाटों में से एक, दशाश्वमेध घाट पे। इस घाट की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जिस वजह से यहाँ का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है और यहाँ की शाम की आरती सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। घाट को एक्सप्लोर करने के बाद एक कॉफ़ी ब्रेक लेते लेते शाम हो गई और हम आ गए वापस घाट की तरफ शाम की आरती के लिए।
तो ये था बनारस का मेरा सफ़र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।